एसडीपी मैथ्स ट्यूटोरियल में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, मैं हूं सुदीप और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एसडीपी मैथ्स ट्यूटोरियल। दोस्तों, आज हम लोगों को प्रूफ करना है कि रूट फाइव इज ए इरेशनल। एनसीईआरटी क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, प्रूफ दैट रूट फाइव इज ए इरेशनल। तो अभी हमें रूट फाइव इज इरेशनल ये हमें प्रूफ करना है। आइए सॉल्यूशन में देखते हैं। लेट रूट फाइव इज ए रेशनल नंबर, यानी कि रूट फाइव एक इरेशनल प्रूफ करने के लिए पहले हम लोग रूट फाइव इज ए रेशनल नंबर लेते हैं। इसीलिए हम लोग लिखेंगे लेट रूट फाइव इज ए रेशनल नंबर। अगर रूट फाइव एक रेशनल नंबर है तो हम लोग रूट फाइव को लिख सकते हैं कि रूट फाइव इक्वल टू पी बाई क्यू। रूट फाइव एक इरेशनल नंबर है, ये प्रूफ करने के लिए हमें रूट फाइव को एक रेशनल नंबर लेना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग लिखेंगे देयरफोर वी कैन राइट रूट फाइव इक्वल टू पी बाई क्यू, क्योंकि एक रेशनल नंबर को पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। व्हेयर पी एंड क्यू आर टू इंटीजर, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, ऑल्सो पी एंड क्यू हैव ए कॉमन फैक्टर अदर देन वन। मतलब पी एन क्यू का एक कॉमन फैक्टर है जो कि है 1, इसके अलावा पी एन क्यू का और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। क्यू को अगर लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आते हैं तो क्यू रूट फाइव के साथ इंटू होगा, तो हम लोग लिखेंगे इम्प्लाइज रूट फाइव क्यू इक्वल टू पी। पी को लेफ्ट हैंड साइड में एंड रूट फाइव क्यू को राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे, इसीलिए हम लोग लिखेंगे पी इक्वल टू रूट फाइव क्यू। अभी हम लोग बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, हम लोग लिखेंगे इम्प्लाइज पी स्क्वायर इक्वल टू रूट फाइव क्यू होल स्क्वायर, और साइड में लिख देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। इम्प्लाइज पी स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर और रूट कैंसिल होगा 5 और क्यू स्क्वायर होगा। यहाँ पे देखिए पी स्क्वायर जो है ये 5 का मल्टीपल्स है, इसीलिए हम लोग लिखेंगे देयरफोर पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 एंड इट कैन बी सेड दैट पी इज डिविजिबल बाय 5, यानी कि पी स्क्वायर 5 से डिवाइड होगा और पी को भी 5 से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। अगर पी 5 का मल्टीपल्स है तो हम लोग पी को लिख सकते हैं कि लेट पी इक्वल टू 5k हेयर k इज एन इंटीजर। तो अभी दोस्तों p का जगह पर हम लोग 5k बिठा देंगे और लिखेंगे इम्प्लाइज 5k होल स्क्वायर इक्वल टू 5q स्क्वायर। अभी 5k होल स्क्वायर को तोड़ने से होगा 5 का स्क्वायर होगा 25 और k स्क्वायर इम्प्लाइज 25k स्क्वायर इक्वल टू 5q स्क्वायर। अभी 5q स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड में एंड 25k स्क्वायर को राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे। अभी क्यू स्क्वायर के साथ 5 मल्टीप्लाई है, इस 5 को अगर हम राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे तो 25k स्क्वायर का नीचे बिठेगा, यानी कि 25k स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5। अभी इस 5 से 25 को हम लोग डिवाइड करेंगे तो आएगा आंसर 5 5 5 = 25, इम्प्लाइज क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5k स्क्वायर। यहाँ पे दोस्तों क्यू स्क्वायर जो है वो भी 5 का मल्टीपल्स है, इसलिए हम लोग लिखेंगे दिस मीन्स दैट क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 एंड हैंस क्यू इज डिविजिबल बाय 5, यानी कि क्यू स्क्वायर जो है वो भी 5 से डिविजिबल हो रहा है और क्यू भी 5 से डिविजिबल हो रहा है। यहाँ पे दोस्तों देखिए ऊपर में पी इज डिविजिबल बाय 5 और नीचे क्यू इज डिविजिबल बाय 5, यानी कि पी एंड क्यू दोनों का एक कॉमन फैक्टर है जो कि है 5, इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं दिस मीन्स दैट पी एंड क्यू हैव ए कॉमन फैक्टर 5। ऊपर में हम लोग लिखा था पी एंड क्यू आर टू को प्राइम, को प्राइम मतलब दोनों का एक ही कॉमन फैक्टर है जो कि है 1, लेकिन नीचे आके हम लोगों को मिल रहा है पी एंड क्यू हैव ए कॉमन फैक्टर 5।
क्योंकि पी एंड क्यू दोनों को प्राइम है और दो को प्राइम का बीच में ओनली वन कॉमन फैक्टर होगा, वो है वन। लेकिन नीचे हम लोगों को मिल रहा है पी एंड क्यू का कॉमन फैक्टर फाइव, जो कि गलत स्थापित हो रहा है। इसीलिए हम लोग लिखेंगे दिस इज ए कॉन्ट्राडिक्शन टू द फैक्ट दैट पी एंड क्यू आर को प्राइम, दैट इज पी एंड क्यू हैव ओनली वन कॉमन फैक्टर विच इज वन। इसीलिए हम लोग ऊपर में जो रूट फाइव लिखा था रेशनल नंबर, तो ये रेशनल नंबर हो नहीं सकता। हम लोग लिखेंगे देयरफॉर रूट फाइव कैनॉट बी एक्सप्रेस्ड एज पी बाई क्यू एंड इट कैन बी सेड दैट रूट फाइव इज इरेशनल। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।